इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इरिगेशन प्रोसेस को देखेंगे और साथ ही दो मेथड देखेंगे इरिगेशन के मेथड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना भूलें और साइंस रिलेटेड ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इरिगेशन प्रोसेस क्या होता है। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट फॉर असिस्टिंग इन दियर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। यह एक तरह का आर्टिफिशियल मेथड होता है प्लांट को वाटरिंग करने का, ताकि उसके ग्रोथ को असिस्ट किया जा सके। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेशन। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूब वेल, पॉन्ड, लेक, रिवर। ये सब मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है, सिंचाई के माध्यम हैं। आप कुएं से सिंचाई कर सकते हैं, ट्यूब वेल से, पॉन्ड से, लेक से और रिवर से। चलिए आगे देखते हैं इसके मेथड कौन से होते हैं। तो सबसे पहला मेथड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप। इसमें एक वर्टिकल पाइप होता है विथ रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, और वहाँ पे रोटेटिंग नोजल होता है। इट इज़ मोर यूजफुल इन अनइवन एंड सैंडी लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। और यह सैंडी लैंड और अनइवन वाटर अवेलेबिलिटी वाले एरिया में अच्छा होता है, जहाँ पर सफिशियंट वाटर नहीं होता है। अब सेकेंड मैथड है ड्रिप इरीगेशन मैथड। This irrigation system has an arrangement of pipe or tube with very small holes in them. और ये irrigation system है जिसमें pipe का arrangement इस प्रकार होता है कि इसमें small holes के through water को plant में drop by drop डाला जाता है उसके directly root में। It is very efficient as water is not wasted at all. और यह बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है जिसमें वाटर का वेस्टेज नहीं होता है। इसमें ट्यूब या पाइप का यूज़ करके उसमें छोटे होल बनाए जाते हैं और यह डायरेक्ट प्लांट में ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम के थ्रू उसके बेस में वाटर प्रोवाइड करता है। तो यह है दूसरा मेथड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम।